जनिन में विस्फोटक तबाह किए गए। मिलिट्री बुलडोजर के साथ आगे बढ़ रही है आईडीएफ, इसराइल की सेना। और ये लगातार देखने को मिल रहा है कि चाहे वो गाजा हो, चाहे वेस्ट बैंक हो, उनके टैंकों के काफिले के साथ बुलडोजर, बड़े बड़े बुलडोजर, कैटरपिलर जिनको कहा जाता है, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो उनके लिए रास्ता बना रहे हैं, और फिर उसके बाद इजराइल की सेना उसके पीछे पीछे। ये वेस्ट बैंक के जनिन में विस्फोटकों को तबाह करने की तस्वीर आपके सामने। इधर यरूशलम में आईडीएफ का एक्शन दिखा है, घर की छत से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। हमास लड़ाकों से आमने सामने की जंग हुई है आईडीएफ की यरूशलम में। हमास समर्थकों से भी मुठभेड़ हुई है यरूशलम में। ये देखिए, यरूशलम में घर की छत पर आपको ये इजराइल की सेना के जवान दिख रहे हैं जो सामने हमास के लड़ाकों पर गोलियां दागते हुए। ये यरूशलम में आईडीएफ के एक्शन की तस्वीरें, सामने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाते हुए। और यरूशलम में आईडीएफ सैनिकों पर हमला भी हुआ, फिलिस्तीनी हमले में घायल एक महिला सैनिक। यरूशलम में एक इजराइल की सेना की महिला सैनिक फिलिस्तीनी हमले में घायल हो गई। पूर्वी यरूशलम में, पूर्वी इलाके में आमने सामने की जंग हो रही है। आप देख सकते हैं उस घायल महिला सैनिक को तुरंत फर्स्ट एड दिया गया और फिर उसको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। ये हम आपको यरूशलम की तस्वीर दिखा रहे हैं। उधर इजरायली ऑफिसर का बहुत बड़ा बयान, गाजा को इजरायल में मिलाने की बात कही है, लेबनान पर भी कब्जे की बात कही है। सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, अब ये सारी धरती हमारी है। तो इजरायली सैन्य अधिकारी के बयान से उठ रहे तीन गंभीर सवालों पर गौर करते हैं और फिर हमारे संवाददाता विपिन चौबे भी इस वक्त, क्योंकि इजरायल में, सीधे उनके पास जाएंगे। पहला सवाल, क्या गाजा और लेबनान पर कब्जा करेगा इजरायल? क्या अब इजरायल को अमेरिका भी नहीं रोक सकता? क्या इजरायल के रुख से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और लेबनान बॉर्डर से, क्योंकि विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे विपिन के पास चलते हैं। विपिन, लेबनान बॉर्डर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए, जब से नसरुल्ला का वो ऐलान सामने आया है तब से इजरायल ने लेबनान पर अपनी जो सीधी जो चेतावनी दी है, इसका क्या मतलब निकाले? देखिए, सीधे तौर पर शुक्रवार की शाम के बाद जैसे ही हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला का भाषण हुआ और उसने से साफ तौर पर इस पूरे युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया इसराइल को, उसके बाद से हालात बदल गए हैं। हम सीधे गौरव उसी तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ किलोमीटर का फासला और हम बॉर्डर पर तैनात होंगे जहां पर आईडीएफ ने अपनी तैनाती को बढ़ाया गया है। कई सारे टैंक्स, आर्म्स, एम्यूनिशन को बढ़ाया गया है और यहां तक यह ऐलान किया गया है कि F-35 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स की भी तैनाती की जाएगी। आयरन डोम जो कि तेल अवीव में काम कर रहा है और इसराइल के अलग अलग इलाकों में काम कर रहा है, लेकिन लेबनान बॉर्डर में उसकी विशेष तौर पर तैनाती, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि यहां भी इसको तैनात करना जरूरी है। लिहाजा तनाव बहुत ज्यादा चरम पर है और इस तनाव को देखते हुए तैनाती बढ़ाई गई है। माना यह जा रहा है कि रह कर दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। उसी हमले को देखने के लिए और ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है गौरव, वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए कुछ देर का फासला, मतलब 35 मिनट में हम लेबनान बॉर्डर पर होंगे और वहां से आपको रिपोर्ट करके दिखाएंगे।